सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लक्ष्य इतना कमजोर नहीं होना चाहिए जो लोगों की बातों से ही टूट जाए। इस दुनिया में मतलब होने से ही जिक्र रहे, बिना मतलब के कौन करता किसकी फिक्र रहे। कुछ ना करने के बजाय अगर थोड़ा थोड़ा कर लिया जाए तो सफलता की सीढ़ी अपने आप बनने लगती है। आधुनिक बनने की रेस में हमें अपने सांस्कृतिक सभ्यता और रीति रिवाजों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आज का पंचांग 23 मार्च 2024 दिन शनिवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र 7:33 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 9:32 से 11:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:09 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर ही रहेंगे। मेष राशि 23 मार्च 2024 दिन शनिवार, अभी आप अकेले और शांत हैं। साथ ही अपने सोच योजना या आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बदलाव की आवश्यकता है अगर आप बुजुर्गों की सुनते हैं और अपने मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सफल हो सकते हैं। व्यावसायिक और व्यक्तिगत मामलों के लिए आपके ग्रह उत्तम हैं। ऐसे लोगों की मदद करें जिन्हें जरूरत हो। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपके पास कोई डिग्री ना होना फायदेमंद है। अगर आप कोई इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन कोई डिग्री ना होने पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आज आप खुद के जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं फालतू है, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। नौकरी कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को अपने करीबी दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अचानक से यात्रा के योग बनेंगे। लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलेगा। धन को लेकर चल रहे विवादों से छुटकारा भी मिलेगा। आज का दिन बहुत लाभकारी है। अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूरा करने का उचित समय है। रिश्तों में सुधार आएगा। चारों तरफ से खुशियाँ महसूस होगी। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करने के लिए डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। पुरानी बातों से तकलीफ हो सकती है। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे और टारगेट पर टिके रहने की कोशिश करेंगे। काम की जगह लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। धैर्य से काम लेना होगा। रिलेशनशिप संबंधित डर बना रहेगा। सोच समझकर निर्णय लें। शरीर पर सूजन महसूस हो सकती है। ख्याल रखें। आपको अच्छा लगता है और आप शरारती मनोदशा में होंगे। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। घर में मरम्मत इत्यादि होगा। आज अपने प्रिय से दूर होने का दुख आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण कामों को कर सकते हैं तो आपकी सोच काफी गलत है। सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। अज्ञात भय रहेगा, लेकिन कार्य समय पर होंगे। धन लाभ भी होगा। सहयोग प्राप्त होगा और राजनीतिज्ञों को पद लाभ मिल सकता है। महिलाएं कार्य स्थान पर मजबूत रहेंगी। विवादित मामलों में सफलता मिलेगी। यात्राएं होगी। व्यापार में तेजी आएगी और नौकरी में समय अच्छा बीतेगा। सावधानियां। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है जिन्हें ठीक से निभाने में आपको परेशानी भी होगी। संयम और धैर्य से काम ले। किसी के साथ बहुत अधिक वाद विवाद में ना उलझे। वाहन का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से करने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक लोगों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। इस समय विवाहेतर संबंध आपके घर की अव्यवस्था को खराब कर सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें।
किसी खास के जुदाई आपके लिए अभी असहनीय है, किंतु याद रखें जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। अपने रोमांटिक सपनों को पूरा करने के लिए आपको भी कुछ प्रयास करने चाहिए। प्रेम होने का एक अर्थ यह भी है कि आप दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से खुले हों। आपके ग्रहों के मुताबिक आज आपकी बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल की संभावना है। पेशेवर से लेकर निजी जीवन तक सब कुछ सही चल रहा है। निखारे और इसके लिए साथी के साथ एक ड्राइव पर जाना या कॉफी पीना अच्छे विकल्प हैं। दोस्तों की बातों में आकर दिन को खराब न करें। आज के दिन आपके लिए बहुत खास है। आप अपने पुराने प्रेमी को वापस अपना लेंगे। यह सही है कि अलग होते हुए आपके बीच कुछ मतभेद जरूर थे। वापस एक साथ आने के बारे में अब भी आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि आज का दिन कोई बड़ा फैसला लेने के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको इस बारे में सोचने के लिए काफी समय मिल आपको इस बारे में सोचने के लिए काफी समय मिल जाएगा। बात करते हैं करियर की। आप एक लंबे समय से सीधे और अच्छे रास्ते में कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रवंचना या चतुराई का सहारा ले सकते हैं। हालांकि ये एक अनावश्यक जोखिम है। लोग आसानी से आपके तंत्र को पहचान लेंगे और इसे अपराध के रूप में लेंगे, और आपने सालों से जो प्रतिष्ठा कमाई है वो आप गंवा सकते हैं। इस समय आप काम को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। अगर आप विदेशियों के साथ व्यापार या काम करने की इच्छा रखते हैं तो थोड़े प्रयास करें, सफलता मिलने के संकेत है। धन की दौड़ में थोड़ी सावधानी बरती, क्योंकि पैसा कभी कभी मानसिक समस्याओं और दुखों का कारण भी बन जाता है। अभी आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। आज उन दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बातें हो सकती है जिनसे आप लंबे समय से संपर्क करना चाहते थे। आपका पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन शानदार है। आपकी सफलता और समृद्धि में आपकी प्रियजनों का भी हाथ है, इसीलिए उनका आभार जरूर व्यक्त करें। प्रॉपर्टी के बिजनेस में सफलता भी मिलेगी। बिजनेस बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करें। नया काम करने से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी सेहत के लिए कोई दृढ़ संकल्प वाला कदम उठाने में बिताएं। आज आप काफी शक्तिशारीरिक एक्सरसाइज वाली क्लास ज्वाइन या कोई डाइट शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप चाहे जो सोचें उस पर आसानी से चल पाएंगे। आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस की एक्सरसाइज तथा योग आदि कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आज कम होगी और आप इससे काफी हद तक आराम महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।